ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार की बात करते हैं जहां कर्पूरी जयंती पर कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। सभी राजनीतिक दल कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें याद कर उनके रास्ते पर चलने की शपथ लेते नजर आए और जिस तरह से उनका बिहार की राजनीति में पिछड़ों को आगे और मुखर स्वर देने की भूमिका में उनका योगदान था उसकी सराहना की जाती रही। लेकिन इस दौरान सत्ताधारी दल के विरोधी मोर्चा संभाले हुए थे, सड़क पर उतरकर सरकार पर निशाना साध रहे थे और वजह थी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली। आरएलएसपी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला का निर्माण किया और स्कूलों के बाहर आरएलएसपी समर्थक और शिक्षा को लेकर परेशान लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति सरकारी स्तर पर कैसी है। देखिए ये रिपोर्ट। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो मानव कतार में शामिल हुए। पटना के मिलर स्कूल के पास आरएलएसपी ने मानव श्रृंखला बनाया जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी समेत कई लोग शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलनी चाहिए। मानव कतार में महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी खड़े थे। बच्चे पार्टी के बैनर लहरा रहे थे। दरअसल आरएलएसपी ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को जनता तक पहुंचाकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। ओंकार अवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो राजधानी में पार्टी प्रमुख द्वारा मुख्य आयोजन रहा, लेकिन जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी इस तरह के आयोजन में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल नजर आए। नालंदा में भी मानव श्रृंखला बनाकर बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बहाने सरकार पर निशाना साधा गया। देखिए रिपोर्ट। आरएलएसपी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया। नालंदा में सरकारी स्कूलों के पास पार्टी ने मानव श्रृंखला बनाया और लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। आरएलएसपी के जिलाध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में सबसे पीछे बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं। सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं महागठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी ने भी मानव श्रृंखला में भाग लिया। वीआईपी पार्टी के नेता सत्येंद्र बिंद ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने जबरन 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई। बिहार में शिक्षा और रोजगार की स्थिति काफी खराब है। आज के नीतीश सरकार की अगुवाई में जितना भी वैकेंसी आ रही है तो कंपटीशन से नहीं आ रही है, वो घुसखोर के माध्यम से हो रहा है। और इनका नीति और जो सिद्धांत है वो बहुत गलत है, इसलिए कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि इन्होंने जो भी मतलब एग्जाम लेते हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है। लीक के माध्यम से इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है शिक्षा के नीति पर कि शिक्षा एकदम चौपट धरातल में आ गया है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नीतीश सरकार की खामियों को उजागर करते रहे हैं। उन्होंने लचर शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। मानव श्रृंखला बनाकर इसी बात को उपेंद्र कुशवाहा उजागर कर रहे हैं। ओंकार अवामी के लिए नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। आपको जहानाबाद में की स्थिति भी बताते हैं। वहां मानव श्रृंखला को लेकर किस तरह से शिक्षा व्यवस्था के बहाने सरकार पर निशाना साधा गया। आरएलएसपी ने जहानाबाद में भी मानव श्रृंखला निर्मित की। देखिए रिपोर्ट। आरएलएसपी के आह्वान पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई। पार्टी ने लचर शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। शहर के स्कूलों के सामने आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई और नीतीश सरकार पर हमला बोला। मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर शिक्षा सुधार के लिए हम लोग आज शहरी क्षेत्र के उटा मध्य विद्यालय में हम लोग मानव कतार लगाए। इससे पहले भी हम लोग कार्यक्रम चलाए हैं। महामहिम राज्यपाल जी को 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाए, कस्तूरबा विद्यालय में हम लोग पुस्तक वितरण किए, उसके बाद आज हम लोग मानव कतार लगाकर राज्य सरकार को युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा सुधार करने के लिए मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार जो सोया हुआ है उसको जगाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सिपाही की जो एग्ज़ाम हो रहा था परीक्षा, उसमें आप लोग देख चुके हैं किस तरह मारामारी हुआ है। युवा रोड पर चल रहा है, बेचारे लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं और इसी मानव कतार के लिए आज हम लोग
कतार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि युवा को रोजगार मिले, शिक्षा सही ढंग से चले। राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के दौरान आरएलएसपी कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को कहा। बहरहाल पार्टी ने बदहाल शिक्षा व्यवस्था को उजागर कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ओंकार आवामी के लिए जहानाबाद से मुजफ्फर इमाम की रिपोर्ट। तो बिहार में सरकारी शिक्षा की क्या स्थिति है, इससे सब अवगत हैं और इस सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और इस बदहाली को दूर करने के लिए राजनीतिक दल किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, राजनीतिक चमकाने के लिए, वो भी सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि आरएलएसपी के इस राज्य व्यापी आंदोलन पर जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। सत्ताधारी दल के सदस्य का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को नैतिक अधिकार नहीं शिक्षा व्यवस्था के किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने का, क्योंकि जब वो केंद्र में मंत्री थे तब उनके पास मौका था कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को दूर करते, लेकिन उन्होंने क्या किया इसका हिसाब वो नहीं देते और अब चुनाव के समय वो इसका फायदा राजनीतिक तौर पर लेना चाहते हैं। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं, बिहार हेड मनोज नारायण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बहाने नीतीश सरकार पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला, मानव श्रृंखला निर्मित कर पंचायत स्तर तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जवाब भी आ गया कि उपेंद्र कुशवाहा नैतिक अधिकार नहीं रखते शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर बोलने का, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, ये जो आरएलएसपी का मानव श्रृंखला बनाने का जो आयोजन था ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और जो कर्पूरी ठाकुर के जो का जो आज जयंती समारोह है, आज जयंती दिन है, तो इस दिन में ये मानव श्रृंखला बनाने का जो उपेंद्र कुशवाहा है पहले ही अनाउंस कर चुके थे। आज मिलर हाई स्कूल में वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा अपने तमाम जो भी दमखम या जो भी कार्यकर्ता थे उनके साथ में मानव श्रृंखला का आयोजन किया। जिला वार भी यहाँ पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इनका था कि शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरह से अगर आप बात करें राजधानी की, तो राजधानी में जिस तरह से मिलर हाई स्कूल में बच्चों के हाथ में राजनीतिक तौर पे वो टोपी और झंडा जो दे दिया गया था, कहीं ना कहीं ये जो मानव श्रृंखला का जो आयोजन है उस पर एक करारा तमाचा ये लग रहा था कि जिस शिक्षा की बात उपेंद्र कुशवाहा खुद कर रहे हो और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगातार लालू यादव जिंदाबाद, पंखा छाप जिंदाबाद का नारेबाजी कर रहे थे, तो एक तरह से कहा जाए तो ये शिक्षा और बेरोजगारी के लिए जो मानव कतार लगाया गया था, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ में जो झंडा था ये कहीं ना कहीं मजाक दिख रहा था। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मानव कतार का आयोजन हुआ उसके बाद में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर उपेंद्र कुशवाहा का पुतला फूंका, उसके बाद जेडीयू के लोग कह रहे थे कि जिस समय उपेंद्र कुशवाहा खुद एचआरडी में जो केंद्र में एचआरडी स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय तो वो बिहार के लिए कुछ किए ही नहीं, तो अब उनके ये सब मानव कतार करने का, ये सब करने का क्या उचित बनता है? जाहिर सी बात है कि उनका भी कहना जायज है, लेकिन यही सवाल जब उपेंद्र कुशवाहा से जब किया जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं कि बिहार में सेंट्रल स्कूल की स्थापना के लिए कितनी बार वो राज्य सरकार को चिट्ठी लिखे लेकिन राज्य सरकार उसके लिए जमीन मुहैया नहीं कराई। जो मामला अभी औरंगाबाद और नवादा के लिए है उसको जो भी करंट की बात है, भी हाल फिलहाल लगभग 4 महीने पहले की बात है कि केंद्र के जो एचआरडी डिपार्टमेंट है वहां से ये लेटर आया था कि जल्दी जमीन का एनओसी भेजा जाए कि औरंगाबाद और नवादा में सेंट्रल स्कूल वहां पर स्थापित किया जाए, उसके लिए भी ये आंदोलन की शुरुआत किए थे उपेंद्र कुशवाहा की, यथाशीघ्र वहां पर जमीन मुहैया कराया जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा का एक ही जो है उनका जवाब है कि मैंने प्रयास किया लेकिन यहाँ पर एनओसी जो स्टेट गवर्नमेंट है दिया ही नहीं, जमीन मुहैया कराया ही नहीं, इसलिए ये नहीं हो पाया। तो उपेंद्र कुशवाहा का जवाब अलग है, जेडीयू का या जो सत्ता पक्ष है उसका सवाल जो ये है। तो एक तरह से कहा जाए तो अभी चुनावी साल है, चुनावी साल में अपना जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा और बेरोजगारी को अपना मुद्दा बनाया है और इसी मुद्दे का इनका ये कड़ी है मानव श्रृंखला। जी दीपक, बिल्कुल, देखते हैं ये मुद्दा कितना प्रभावी होता है और इसका कितना फायदा उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है, कितना नुकसान वो एनडीए को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के आंदोलनों का अगर सरकार पर कोई असर पड़ता है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार आती है तो ये ठीक है।